अरे चल असीम, तेरा जी नहीं भरेगा लगता है। असीम अच्छा हो गया क्या? ए, मेरा नहीं आ रहा है इधर, मेरा शाडो उधर उठ से जा। अरे कैंडल तो कैंडल कैंडल से हैप्पी बर्थडे शरद भगवान उनकी सारी इच्छाएं पूरी करे, इन्हें शक्ति सद्बुद्धि निरोग्य जीवन दे और साथ में मुस्कान भी दे। वो तो आई थिंक चेहरे पर है। ऊपर लगे ना तो ऑडियो कहाँ से आएगा? ये ठीक है। जी बीच वाला। अरे रोलिंग पे खा रहे हैं आप सर। टेलीविजन नो। बिल्कुल सर, आप कुछ भी कर सकते हैं। आइए सर। ओके सर, द बर्थडे टेलीविजन हो रहा है आफ्टर आफ्टर से आफ्टर योर यूनिट, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कितने खुश हुआ आज? बिल्कुल, आई थिंक हर साल जो है कोशिश करते हैं सेट पर ही बर्थडे सेलिब्रेशन हो, और पिछले कुछ सालों से सेट पर ही हो रहा है और उम्मीद है कि आगे भी हो। इस बार जो है मुस्कान के सेट पर है, तो अच्छा लग रहा है कि पूरी लगभग मतलब बहुत लोग हैं हमारे जो यूनिट के लोग, काफ़ी लोग अंदर शूटिंग भी कर रहे हैं, बट सबसे खुशी है कि इस बात की है कि आप लोग सब हैं। हर साल आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोग पहुंच ही जाते हैं, चाहे वो नायगांव हो, उमरगांव हो या आमगांव हो। सो अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं। इट फील्स रियली नाइस, थैंक यू। किस तरह से एक अलग होने वाला है बर्थडे पिछले बर्थडे से आपका? यार हर साल मैं सोचता हूँ कुछ अलग हो, लेकिन वही है कि कल मैं मैंने ऑफ लिया है और कल मैं सोने वाला हूँ, वो सबसे अलग होगा क्योंकि नॉर्मली हमें टाइम नहीं मिलता है कि आराम से सोएं। तो आई थिंक कल पूरा दिन जो है मैं उठूँगा आराम से, और मेरी दिन की शुरुआत होती है यूजुअली बर्थडे के दिन मैं पूजा करता हूँ, जो मेरी खास पूजा होती है वो मैं आराम से कल मेरी पूजा स्टार्ट होगी नहा धोकर, उसके बाद मैं शायद बाहर निकलूँगा, दो तीन कुछ पर्सनल काम हैं आराम से वो करके, फिर हर साल की तरह कुछ खास फ्रेंड्स हैं जो मुझे सरप्राइज़ देते हैं, उम्मीद है कि इस साल भी देंगे। वो कहते हैं ना कि हर एक दोस्त कमीना होता है, तो मेरे कुछ दो तीन दोस्त हैं जो बहुत ही कमीने हैं, बहुत ही अजीज़ हैं मेरे, तो बहुत सालों से मेरे साथ हैं, तो उम्मीद है कि वो कल मुझे सरप्राइज़ देंगे। मुझे लग रहा है आज रात को ही 12 बजे मुझे सरप्राइज़ मिल जाएगा, लेकिन आज नहीं तो कल तो डेफिनेटली होने वाला है। प्लस आई थिंक बहुत सारे फैंस के मैसेज आ रहे हैं, दो दिन पहले ही मेरा बर्थडे स्टार्ट हो गया था, बहुत सारे केक्स कटे हैं, बहुत मेल्स आ रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं सर, बहुत इंटरेस्टिंग गिफ्ट्स आए हैं। सो कमाल का बर्थडे रहा है। okay, बच्चे जो है काफ़ी खुश रहते हैं बर्थडे को लेकर, आप कितने बचपन में? बिल्कुल यार, आई थिंक मैं अभी भी बच्चा ही हूँ यार, मतलब उम्र ना ही बताएं तो बेटर है, बट आई थिंक हम सब बच्चे ही हैं और आई थिंक बच्चे रहने चाहिए, दिल तो अभी बच्चा है। सो आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आता है, जैसे मैं किसी से कह रहा था कि जब हमें गिफ्ट्स मिलते हैं तो हम गिफ्ट्स कैसे फाड़ते हैं एक्साइटमेंट में, तो लिटरली अगर कोई मुझे देखे तो मैं गिफ्ट्स फाड़ रहा था
रैपिंग पेपर को फाड़ रहा था देखने के अंदर गिफ्ट क्या है. सो आई थिंक दैट एक्साइटमेंट वो बहुत कमाल की चीज़ होती है जो हम सब में होनी चाहिए, जो मुझ में अब तक है और उम्मीद है कि आगे भी रहेगी. ओके, अब तक का एक स्पेशल बर्थडे जो आपने सेलिब्रेट किया अब तक, अगर कोई शेयर करना चाहिए मेमोरी पहले की. आई थिंक हर साल बहुत ही स्पेशल रहा है, बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा कि हर साल मैं सोचता हूँ कि ये साल बहुत बहुत स्पेशल होगा, लेकिन अगला साल इतना स्पेशल होता है कि मैं पिछले साल को भूल जाता हूँ. तो ऐसा चलता आ रहा है पिछले कुछ सालों से, और उम्मीद है कि कल का दिन भी बहुत स्पेशल हो. मेरा स्पेशल दिन जो है आज आप लोगों ने इतना स्पेशल बनाया इतने दूर आके, जो बहुत ही स्पेशल है. आई थिंक इट्स रियली नाइस. और जैसे मैंने कहा कि हर साल आप लोग आते हैं, विच इज़ वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. इट्स रियली रियली स्वीट एंड रियली रियली नाइस जेनरस ऑफ यू पीपल कि आके आप लोग यू नो इसका हिस्सा बनते हैं मेरी खुशी का. मैं पूरे साल कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को खुश रखूँ, लेकिन ये जो खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है. सो थैंक यू सो मच. और कल का दिन जैसे मैंने आपसे कहा, उम्मीद है कि बहुत मेमोरेबल हो और पिछले साल से ज़्यादा बेटर हो. अपने फैंस को, अरे यार मैं फैंस को बस ये कहता हूँ थैंक यू सो मच. बहुत सारे गिफ्ट्स आए इस साल, इतने आए कि मेरी गाड़ी भर चुकी है, मुझे शायद एक ट्रक लाना पड़े अभी. बट थैंक यू सो मच. आप लोग प्लीज़ ऐसे गिफ्ट्स इतने मत भेजिए, इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मत भेजिए. मुझे सिंपल कार्ड्स भी अच्छे लगते हैं, मुझे जो हैंडमेड जो आप लोग बनाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है. सो थैंक यू सो मच. इस साल इतने गिफ्ट्स आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं प्यार जो है लोगों का बहुत बड़ा है. बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जो पिछले कुछ सालों से बढ़ चुका है. सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक है और कहीं ना कहीं बिल्कुल कुछ सही चल रहा है, तभी जो है फैंस का इतना प्यार मिल रहा है और कोई जो है ऊपर जो बहुत खुश है मुझसे और उम्मीद है कि वो हमेशा खुश रहे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू यार. अजय शरद का बर्थडे है जो कि आपका बेटा का भी प्ले करते हैं मुस्कान सीरियल में एज अ रौनक, उसके बारे में क्या बताना चाहिए, मतलब कितने एक्साइटेड है उसके बर्थडे को लेकर? मैं दरअसल मुझे पता नहीं था उसका जन्मदिन है, लेकिन अब मुझे पता चला, पैकअप हुआ, मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे पता चला. मैं तो जो है मुझे किसी जन्मदिन का मैं मोहताज नहीं हूँ कि जन्मदिन आए तो मैं एक्साइट रहा हूँ. मैं तो इस दुनिया में आया हूँ, मैं एक्साइटेड ही हूँ. मुझे दुनिया में जन्म दिया है, मुझे मौका मिला है, मैं वैसे ही एक्साइटेड हूँ. ऊपर से मुझे ईश्वर ने, आपने सब ने मौका दिया है एक्टर बनने का, मैं वैसे ही एक्साइटेड हूँ. ऊपर से जो है मुझे अच्छे अच्छे रोल मिल रहे हैं और मुझे पब्लिक प्यार करी, मैं वैसे ही एक्साइटेड हूँ. और ऊपर से 9 जनवरी शरद का बर्थडे आ गया तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ. आप समझ रहे हैं? तो ये सारी एक्साइटमेंट मिल के जो है ये एक 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 यू नो कॉल्स फॉर ए पार्टी, कॉल्स फॉर फॉर एन फॉर एन व्हाट यू कॉल कॉल्स टू रॉक. तो लेट्स रॉक. मैंने कहा ठीक है. मैं ड्रेस में ही चला गया, अपने जो कपड़े पहन के अभी निकला था ना उसी में चला गया. बट मैं ओके, आई हैव गॉट ए स्वीट टूथ, लेकिन आई एम स्टॉप्ड एनकरेजिंग और रिस्पेक्टिंग माई स्वीट टूथ. सो मैंने कहा अभी बस, मीठा बहुत हो गया, अब जो है मीठा लोगों को खिलाऊंगा. मैंने बहुत खा लिया मीठा और जितना मैंने अपना नुकसान करना था कर लिया मीठा खा के. जो बच्चे करते हैं ना, उनके वो जो बचपन के दांत गिर जाते हैं फिर उनको विजडम टीथ आता है, लेकिन मेरे अगर इस उम्र में दांत गिरे तो मुझे दूसरा दांत मिलने वाला नहीं है. यू नो व्हाट आई मीन? तो शरद का बर्थडे है. अब परसों मेरे और एक फेवरेट एक्टर का बर्थडे है, ऋतिक रोशन का बर्थडे 10 जनवरी. वो भी एक ब्यूटीफुल योद्धा है. मैंने मतलब मैं लाइफ में बहुत कम लोगों को मैंने जो है ऐसे देखा, मैंने इतना हार्डवर्क करते हुए बहुत कम लोग, उसमें से ये एक हैं. बट आई लाइक दिस बॉय. ही इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, इज़ वेरी नाइस, वेरी फोकस्ड, अच्छा साफ़ सुथरा लड़का है. साफ़ सुथरा मतलब आचरण से भी, मतलब ये नहीं कि रोज़ नहाता है इसलिए साफ़ सुथरा कह रहा हूँ मैं, आचरण से भी अच्छा है. इज़ वेरी हैंडसम बॉय, अच्छा फ्यूचर है. और बर्थडे आता है, ठीक है, बर्थडे जन्मदिन आता है, जन्मदिन जाता है. बट आई फील दैट वी शुड ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर ऑन ईच डे एज ए ह्यूमन बींग. यानी कि हम जो है किसी को मरने के बाद रिस्पेक्ट करें कि चलो ये पहले मर जाए फिर हम उसको रिस्पेक्ट करें, अच्छा आदमी था और ये बाबा थे और ये कोई सूफी थे या पंडित थे, बड़े अच्छे आदमी थे, चलो उसके पैर पे हम 10 करोड़ रुपये रख के आ जाते हैं. जो जिंदा प्रॉब्लम में है उसके अगर हम हेल्प करें, दैट इज़ रियल ह्यूमैनिटी. मैं ये समझता हूँ कि उसी में जो है ईश्वर बसता है, उसी में ताकत बसती है.
तो आई थिंक वी आर वर्किंग टुगेदर वेरी नाइसली, बहुत अच्छा माहौल बन रहा है. सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि जब मैंने एंटर किया था दिस शो, सो द टीआरपी वाज, आई मीन आई एम नॉट इनटू टीआरपी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि टीआरपी पहले से इंक्रीज हो गई है. टीआरपी का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, आपको पता होगा. मैं उसको बॉक्स ऑफिस से उसकी तुलना करता हूँ, बॉक्स ऑफिस से. तो जो बॉक्स ऑफिस ऑफ टेलीविज़न है, अगर वो बढ़ता है, इसका मतलब पब्लिक उसको देख रही है, एंजॉय कर रही है, और टीआरपी बढ़े और लोगों को काम मिले, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है. तो फिर जय मोदी. दीना, मैंने बोला कि मैं इस बर्थडे पे सबसे बेस्ट दुआ ही होती है, सबसे बेस्ट फीलिंग्स ये होती है, सबसे बेस्ट रिस्पेक्ट और विशेज ये होती हैं कि मे गॉड ब्लेस यू विद शक्ति, सद्बुद्धि और निरोग्य जीवन. दैट इज़ द बेस्ट थिंग. आपके पास आज अच्छा शरीर है, अच्छा फोकस्ड माइंड है, तो कल को आप यू नो पैसे कमा सकते हो. लेकिन आपका पैसा है और अच्छा फोकस्ड माइंड नहीं है, आपका शरीर काम नहीं कर रहा, तो दैट मनी कैन नॉट बाई यू सम लेग्स वैग्स ऑर्गन्स वॉर्गन्स पार्ट्स एंड ऑल, वो अच्छी तरह मैच नहीं होते. मेरी शरद के साथ अभी मूवमेंट्स शुरू हुई हैं. अभी हम लोग, हमारा जो है वो पकवान पक रहा है अभी, जो है ना वो प्यार का पकवान और वो कैरेक्टर्स का पकवान, और अभी शुरू हुए हैं. मेरे ख्याल 3-4 महीने ही हुए हैं स्टार्ट करके, आई थिंक ही एंटर्ड आफ्टर मी. तो वो अभी पकवान पक रहे हैं, तो मुझे वो फीलिंग मिल रही है कि ये बड़ा पर्टिकुलर लड़का है. हर चीज़ का ना नाप तोल के देखना, बोलना, यू नो हर चीज़ का. और मैं उसका यू नो ये है, सपोज ये शरद है, ये सुदेश बेरी है, तो दोनों एक ही हाथ हैं, लेकिन ये देखो ये स्किन अलग है, स्किन अलग है, तो हम यू नो नेचुरली अलग है. और वैसे भी दो हाथों की लकीरें भी नहीं मिलती, बट हम वी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. सेम कॉइन काम अच्छा करता है, और कुछ हम सब किसी न किसी एक्टर से इंस्पायर होते हैं ना, गंगा ऊपर से बहती है, तो वो भी किसी एक्टर से इंस्पायर होके और अच्छी इनपुट देता है, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी देता है, अच्छा काम करता है. यू सी व्हेन वी ट्राई टू बी वेरी चाइनीज एक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था ना कॉकेशियस ने कि भाई इफ़ यू लव योर वर्क यू डोंट हैव टू वर्क. सो आपका काम ऑटोमेटिक हो जाता है. वो कहते हैं ना फिल्में बन जाया करती हैं, प्यार हो जाया करता है. तो इस तरह से वो चीज़ें जो एक फ्लो में हो जाएँ, जैसे मतलब आई थिंक अमित जी को तो ये डायलॉग भी सूट नहीं करता, क्योंकि अमित जी जो है ऐसी फ्लॉलेस उनका परफॉर्मेंस होता है, फ्लॉलेस, कि मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ जो है दूर दूर तक गैलेक्सीज तक पहुँच नहीं पाता. इतनी दूर गैलेक्सी में इतना बड़ा ब्रह्मांड है वो. बट हम कोशिश कर रहे हैं, वो भी किसी एक्टर से इंस्पायर होकर, मुझे लग रहा है कि हम एक एक्टर से इंस्पायर होकर कोशिश करते हैं, हम लोग विल ट्राई टू गिव द बेस्ट, और वो नज़र आ रहा है, ऑडियंस में नज़र आ रहा है. आई थिंक एवरी सीन विद शरद इज लाइक एक चैप्टर है. उसका कारण पता क्या है? उसका कारण ये है कि वो सीन को उसी तरह से लेता है जैसे मैं लेता हूँ. कुछ लोग होते हैं कि ठीक है सीन आया है, चलो दो लाइनें बोलेंगे और घर चले जाएंगे. ऐसा नहीं, वो इनपुट देता है. तो इट्स गुड बेस्ट हम उसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे. वो ऑडियंस तक रिसीव होगा और ऑडियंस उसको जो है बॉक्स ऑफिस के शक्ल में हमको उसका रीपेमेंट मिलेगी. जैसे कि आपने कहा कि आपका एवरीडे बहुत ही स्पेशल होता है, बट स्पेशल रौनक के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो आप उसको क्या गिफ्ट देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं रौनक को क्या गिफ्ट देना चाहूँगा? मैं रौनक को क्या गिफ्ट देना चाहूँगा? मैं रौनक को क्या गिफ्ट देना चाहूँगा? आई थिंक इतनी बड़ी गिफ्ट तो मैंने दे दी. मैंने आई प्रेड फॉर हिम कि ये लाइफ में सक्सेसफुल हो
और ही विल गेट ए हेल्दी एंड यू नो निरोग्य जीवन हो, शक्ति हो, सद्बुद्धि हो और सक्सेसफुल हो. आई थिंक आई विश हिम ऑल द सक्सेस इन लाइफ. बाकी जो मटेरियल चीज़ें हैं, अगर मैं किसी को कुछ एक कुछ मटेरियल चीज़ ला के दे दूँ तो आई थिंक दीज थिंग्स डोंट इम्प्रेस मी ऑल्सो एंड आई थिंक शरद इज ऑल्सो नॉट इन टू दैट. चलो केक वे खा लिया, मस्ती कर ली, बिकॉज मैं जब साथ में इंटरेक्ट करता हूँ तो मुझे पता है कि ही इज़ ऑल्सो अ पंजाबी गाय एंड पंजाबी बेसिकली ऐसे होते हैं कि मस्त मौला होते हैं. तो वो भी मुझे अच्छा लगा, जो जैसे ही वो मस्त मौला आदमी मिलता है ना, वो केमिस्ट्री वो ऐसे सेट हो जाती है. यू नो कभी कभी यू नो कल्चर्स कभी कभी पोल्स अब नई मुलाकात होती है उसकी, तो वो फिर वो क्लैश करते हैं, फिर वो चीज़ें निकल के नहीं आती. वो चीज़ें निकल के आई इसलिए आपने टीआरपी बढ़ती हुई देखी, इमीडिएटली इंस्टेंट बढ़ती हुई देखी आपने, दैट इज़ द रीज़न. सो माय गिफ्ट इज सक्सेस टू हिम. शरद के फैंस को, मैं शरद के फैंस को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अगर शरद को प्यार करते हो तो शरद को इतना प्यार करो कि वो जो है और कामयाबी की बुलंदियाँ छुए, और कामयाबी की बुलंदियाँ छुए, और उसके फैन मेल जो है इतनी बड़े कि वो उसको संभाल ना पाए. बस और क्या बोलूँ, विश कर दूँ. ओके, जन्मदिन की ढेर सारी 100 किलो 1000 किलो शुभकामनाएं शरद, एंड ईश्वर आपको जो है शक्ति प्रदान करे और सद्बुद्धि प्रदान करे, कामयाबी प्रदान करे और निरोग्य जीवन प्रदान करे और थोड़ा सा पैसा भी प्रदान करे. तो सक्सेस मिलेगी तो पैसा भी पीछे पीछे आएगा ही. वो कहते हैं ना कि रहीमन इतना दीजो जामे कुटुंब समाए, परिवार भी भूखा ना रहे और साथ भी भूखा ना जाए. ओके, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद बोलो. जय हिंद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. और जो ने नहीं समझा ना समझ गया आखिरी वाली लाइन, बहुत सारे लोगों को समझ में आई. मैं बूम की बात तो ये है, ये बहुत हो गया दूर से, ये बहुत हो गया. हम इन्हें बीच में ले आ जाओ यार, एक मिनट. अरे थोड़ी सारी अच्छा, अभी तो छुट्टी चल रही है, इसलिए छुट्टी चल रही है. हां पकड़ लेता हूं, दोनों में पकड़ लेता हूं. क्यों मम्मी ने बोला बूम खुद पकड़ना. जी बताइए, आवाज भी स्कूल वाली नहीं. अच्छा अच्छा कोई बात. हाँ रेडी रेडी बिल्कुल बताइए. बिल्कुल, अरे बहुत बहुत खुशी है कि ये अपना कीमती वक्त निकाल कर लाए और शूट कर रहे थे. हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो शूट करते हैं वो बहुत ज़्यादा शूट करना पड़ता है हमें, बिकॉज बहुत मेहनत करनी पड़ती है जैसे कि शोज़ अच्छे चलें. तो शक्ति और मुस्कान को मोर पावर. और बस यही है कि आए यार, अच्छा वही नाइस गुड जेस्चर कि यार एक सेट से दूसरे सेट पे भी आना आजकल लोग पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग नहीं भी आ पाते हैं, बट इट्स नाइस. और किसी को अपना बता दो कि हमारा सेट नायगांव में, तो दोस्ती भी तोड़ लेते हैं, कहते हैं हम तुम्हें नहीं जानते. ऐसा हो सकता है, हाँ पॉसिबल है. मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जिस किस्म का इंसान है, बड़े पॉजिटिव इंसान है, बहुत मेहनती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और बहुत डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर. तो ये हमेशा ऐसे ही रहें और स्वस्थ रहें, खुश रहें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात. आई थिंक हम दोनों को खुश रहना बहुत ज़रूरी है. हाँ तो खुश रहें और आई थिंक ऐसे ही मज़े करते रहें. बस ऐसे ही ज़िंदगी चलते रहे यार, किसी को कुछ ना देना है ना लेना है, बट वही है कि बस ज़िंदगी चलती रहे. अच्छे आप लोग भी क्या कहें, मतलब सी देयर इज़ नथिंग. हम ऐसा कुछ ग्रजेस किसी के पास कुछ नहीं है, हम बस ठीक है, सबकी लाइफ आगे बढ़ती है, हमारी बढ़ी है, आपकी बढ़े, सब खुश रहें. एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू.
तीन महीने पहले तो मिले रोमांटिक मोमेंट भी बता दें 30 साल थोड़े हुए यहाँ तो ऐसे पूछ रही है ये मेरे साथ स्कूल में नहीं था नर्सरी में एलकेजी में ना ही तेरे पतंग उड़ाए हमने साथ इस साल उड़ाएंगे और नहीं मैं इसकी चक्री पकड़ता था पतंग उड़ाता था अभी तीन महीना शांति स्कूल से निकल बात कर रहे आराम से और तूने अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिया था वो बात ही नहीं कर पा रही है अच्छा अच्छा नहीं नहीं चलो ओके बस फिर आप लोग बीच में नहीं 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 एडिटिंग करनी पड़ेगी हां रेडी जी जी शिट सवाल भूल गए आप शिट सॉरी रिकॉर्ड पर कहना हां जी बताइए मैं एक ही चीज विश करना चाहूंगा कि स्वस्थ रहें खुश रहें और बाकी भगवान के दिया सब कुछ इनके पास तो खुश रहें और जिस किस्म के इंसान है वैसे रहें पॉजिटिव इंसान मेहनती इंसान अच्छा हैप्पी बर्थडे थैंक यू बस और कुछ पूछना है सर आप इनको गिफ्ट क्या देना चाहेंगे इनके बर्थडे पे ये देते ना हम लोग इतना समय निकालते हैं एक दूसरे के लिए जब भी टाइम मिलता है तो बहुत बड़ा आज पता आज के टाइम पर रोजमर्रा की जिंदगी में इस जो जिस शेड्यूल से हम रोज गुजरते हैं जो फॉलो करते हैं एक दूसरे को समय देना ही सबसे बड़ा गिफ्ट है क्योंकि आज के टाइम अभी मैंने कहा ना भगवान का दिया हुआ सब कुछ है उसके पास आज के दौर में किसी का समय नहीं है तो टाइम जब निकलता है तो वो गिफ्ट ही है सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि ये जो गिफ्ट इन्होंने दिया है मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट है किसके ऑडियंस के लिए मैसेज है बिल्कुल आई थिंक मोर पावर टू कि शक्ति के चेहरे पे हमेशा मुस्कान बरकरार रहे बिल्कुल मुस्कान को हमेशा शक्ति मिलती रहे थैंक यू थैंक यू स्कूल कब शुरू होना चाहिए चलो मेरा भी हम तो बार बार अविनाश सेल्फी चलो आ जाओ